आज देश आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मना रहा है। जी हाँ, आजादी का 75वां वर्ष बहुत ही धूमधाम से 7-15 अगस्त मनाया गया। आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मन रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा योजना चलाई गई। देश के कोने कोने घरों में लोगों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को जोर शोर मनाते हुए अपने छतों पर तिरंगे झंडे को लगाया गया। जी हाँ, लेकिन बात करते हैं हम शिक्षा की। आज हम मौजूद हैं नौगढ़ विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा गोटुटवा के प्राथमिक विद्यालय पर, जो कि आज भी अपने दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। जी हाँ, आप देख सकते हैं आज भी ये छत विहीन है। बच्चे किस तरीके से पढ़ते होंगे, किस तरीके की यहाँ पढ़ाई होती होगी, आप समझ सकते हैं। धूप, गर्मी, बरसात में बच्चे पेड़ के नीचे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गर्मी जाड़ों में और साथ में बरसात के मौसम में यहाँ बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हुए अपनी पठन पाठन पूरा करते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। वह कुछ अध्यापक हैं विद्यालय के, जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आज क्या कारण है कि ये विद्यालय जो है इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी इस स्थिति में बना हुआ है, जबकि हमारे देश में आज़ादी की 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो विद्यालय है उसकी ये दुर्दशा है, उसके क्या कारण है। जी आप अपना पता बताइए। मैं राजीव कुमार सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गोटुटवा नौगढ़ चंद्र जी। सर, क्या मामला, ये विद्यालय आज भी ऐसे पड़ा हुआ है, क्या मामला पूरा? इस विद्यालय पर मेरी पोस्टिंग 2015 में ही, उससे पहले ही लगभग 2008 में इस विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन थोड़ा सा ही निर्माण शुरू हुआ तब तक वन विभाग का इस पर रोक लग गया कि ये वन विभाग की जमीन है, इस पर अवैध निर्माण हो रहा है। जी जी सर, यहाँ से काफ़ी जनप्रतिनिधि या जनपद के आला अधिकारी गुजरते होंगे, क्या उनका इस विद्यालय पर कभी निगाह नहीं पड़ा? इस विद्यालय पर ये मेन सड़क जो चंदौली से नौगढ़ के लिए आती है, उसमें मेन सड़क के ठीक बगल में सारे जनप्रतिनिधि इसी रास्ते से आते जाते हैं, और कई बार कई जनप्रतिनिधि आए भी और हम लोग को आश्वासन मिला कि काफ़ी दिक्कतें हैं यहाँ पर, हम लोग जल्दी प्रयास करके इस विद्यालय का निर्माण शुरू करा देंगे, लेकिन आज 2022 में भी ये स्थिति जस की तस बनी है। कितना यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाने में कितनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? हर मौसम में यहाँ पे अगर अधिक गर्मी हुई तब भी दिक्कत है, अधिक जाड़ा हुआ तब भी दिक्कत है, बरसात हुआ तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग को उस समय समझ में नहीं आता है कि हम लोग कैसे बच्चों को मैनेज करें और कैसे विद्यालय का जो संसाधन है उनका बचाव करें। जी सर, देख रहे हैं विद्यालय पेड़ों के नीचे, बच्चे जो हैं विद्यालय में पेड़ों के नीचे पढ़ रहे हैं। सर, कितनी संख्या होती होगी यहाँ पर बच्चों? विद्यालय में लगभग 50 बच्चे हैं, लगभग 30-40 बच्चे रेगुलर आते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं उनको। कितने सर शिक्षक कितने यहाँ पर? शिक्षक यहाँ पर एक प्रधानाध्यापक, एक सहायक अध्यापक और 2 शिक्षा मित्र। जी सर, यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है, जो आपके BSA साहब हैं, उनके द्वारा किताब हल किया जाए इस विद्यालय को लेकर? जानकारी सबको है, अब इसमें कहाँ तक स्थिति, कहाँ से स्थिति रुकी हुई है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, और बाकी सारे अधिकारियों को, सारे पदाधिकारी को इसकी जानकारी है कि विद्यालय का निर्माण रुका हुआ है। तो आपने देखा इस विद्यालय के बारे में, आपने सुना। अब हमारा देश जो है वो बात तो तरक्की की करता है, 75वां अमृत महोत्सव बहुत जोरों शोर से मनाया गया है, लेकिन आज भी जो हमारे विद्यालय हैं, मैं आपको बता दूं कि नौगढ़ जो एरिया है या जो नौगढ़ क्षेत्र है वो बहुत पहले नक्सल प्रभावित एरिया रह चुका है, नक्सल का दंश भी झेल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था है वो काफ़ी पिछड़ी हुई है। शिक्षा को लेकर यहाँ पे कोई ध्यान नहीं है, जिसका जीता जागता आपको उदाहरण ये गोटुटवा प्राथमिक विद्यालय मिल जाएगा। जी हाँ, द भारत लाइव TV के साथ मैं विक्की वर्मा।